दरअसल नेहरू स्टेडियम के सामने ड्रेनेज की 1000 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइन लगी हुई थी, जिसमें बीआरटीएस निर्माण के दौरान 4 पाइप नहीं डाले गए थे। इन 4 पाइप की कमी के चलते छावनी ब्रिज से पानी का ओवरफ्लो होता था। शुक्रवार को उस लाइन में पाइपों को जोड़ दिया गया, जिससे ड्रेनेज का पानी सुचारू रूप से बहने लगा है। जल कार्य प्रभारी बलराम वर्मा के मुताबिक इस काम में नगर निगम को लगभग 20 लाख रुपये खर्च करना पड़े हैं।